आप धर्म परिवर्तन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आमिर के? धर्म परिवर्तन जो है ये फेक है, आमिर ने धर्म परिवर्तन का सहारा मुझसे बचने के लिए लिया है। अगर आमिर मुझे छोड़ते तो मैं आमिर को मेरे घर वाले आमिर के खिलाफ केस कर देते हैं, और अगर वो शुभांगी को छोड़ते तो शुभांगी को लव जिहाद में फंसा देती। शुभांगी आमिर का शुभांगी का जो अफेयर है 2014 से रहा है, जितना मैं आमिर को जानती हूँ आमिर बहुत कट्टर मुसलमान है, हिंदू की दुकान से चीज़ खाना तक पसंद नहीं करते, हिंदुओं से वो नफरत करते हैं। और मैंने आमिर को कई बार शुभांगी से बात करने के लिए मना करा तो उन्होंने मुझे मारा भी। इसमें सास ससुर नंदे नंदोई सब इन्वॉल्व थे, सबको सब पता था, टहलने जाते थे, आप बात करते थे, कई बार मैं इनको पकड़ा थे सामने से मजदूरी करते थे और कह दिया करते थे मैं तो बात नहीं कर रहा, और मुझे दिखाते भी थे, बात भी करते थे और मुझे जाहिर करते थे कि मैं नहीं करता हूँ, उसके पास जाती हूँ 250 300। रोलिंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफ्शा जहीर है। गुलफ्शा, आपको पता है आपके हस्बैंड आमिर ने धर्म परिवर्तन के लिए एप्लीकेशन दी है? जी पता है, कल रात पता चला। क्या है पूरा मामला? कल पता, आमिर जो है, आमिर से मेरी शादी 20 फरवरी 2022 को हुई थी, ठीक है। शादी के 3 महीने बाद आमिर डेली इवनिंग वॉक पर जाते थे। मुझे शक हुआ, मैंने आमिर से कहा, मैंने कहा आप इवनिंग वॉक पर क्यों जाते हैं? तो बोले मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं शादी से पहले से ही टहलने जाता हूँ खाना खाने के बाद। मैंने सोचा होंगे हेल्थ कॉन्शियस। तो एक दिन क्या हुआ, आमिर टॉयलेट में बैठे हुए थे, मैं रूम में थी, कॉल बजी, मैंने फ़ोन उठाया, ऑफिस नंबर के नाम से नंबर सेफ था, तो वहाँ से लड़की की आवाज़ आती है, यार आमिर तुम कहाँ हो, मैं डेली तुम्हारी इस टाइम कॉल का वेट करती हूँ, तुमने अभी तक मुझे कॉल नहीं करी। मैंने कहा कौन आप, कौन बोल रही हैं आप? बोली आमिर आए, उन्हीं से पूछ लेना मैं कौन बोल रही हूँ। जब रात को आमिर रूम में आए तो मैंने आमिर से पूछा कि आपके नंबर पर किसकी कॉल थी, ये लड़की कौन थी? तो उन्होंने कहा ये एक शुभांगी है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई पहले? बोले मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद तुम्हारे सामने ये सब चीज़ें ऐसे आएंगी। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, शादी से पहले मुझे बहुत ब्लैकमेल करा इन्होंने। मैंने उनसे कहा कि आपका अगर उनमें ही इंटरेस्ट था तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? तो बोले ये मेरे साथ पढ़ती थी MIT में, 2014 से हमारा रिलेशनशिप था, मैंने इनको शादी के लिए प्रपोज करा, इन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया, इन्होंने कह दिया जाके तुम शादी कर लो, तुम मुसलमान हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, ठीक है। और मैंने आमिर से पूछा कि आपने मतलब जो करा क्यों करा ये? तो उन्होंने कहा कि शादी जो हुई है मेरी सब मेरी मर्ज़ी से हुई है, सब कुछ सही चल रहा था, मैंने जब तुमसे इंगेजमेंट हुई तो मैंने इसको बताया देखो ये लड़की है, इससे मेरी इंगेजमेंट हुई है, मैं तुम्हारी मतलब सब कुछ तुम्हें बताकर शादी कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे ये ना बोलो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया या मैं धोखेबाज हूँ या मैंने बेवफाई करी। तो उसके बाद आमिर ने मुझे बताया कि हमारी शादी 20 फरवरी को हुई थी, 16 तारीख को ये लड़की मुरादाबाद आ गई थी, 16 तारीख में जन्नत बैंकेट हॉल में मेरी माइयों थी और उस टाइम पे ये मुरादाबाद आ गई थी, बड़ी मुश्किल से इनको बिला फुसला के झूठे कस्मे वादे देकर वापस भेजा, और उसमें इन्होंने वादे ये करे कि मैं लड़की ने मतलब आमिर से झूठे मतलब ये कस्में दिलाएं कि तुम एक साल में इसको छोड़ दोगे, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहोगे, टच नहीं करोगे, ये बात हुई। उसके बाद ये कंटिन्यूसली बात करते थे, मेरे कभी कभी मेरे सामने भी चैटिंग होती थी। मैंने 5-6 महीने खूब बर्दाश्त करा, 5-6 महीने बर्दाश्त करने के बाद मैंने सास को सब बताया, मुझे भी लोगों ने बताया, तो सास ने मुझसे ही कहा कि कोई बात नहीं, आदमी तो होते ही ख़राब है, आदमी को सब जायज़ होता है, और तुम्हें खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, ओढ़ने को दे रहा है, तुम्हारे साथ क्या कमी करा, रात को तो आके तुम्हारे पास हो ही रहा है, ठीक हो जाएगा। और लुबना बाजी को, जो मेरी नंद है लुबना, बड़ी नंद, छोटी नंद है उज़्मा परवीन, सबको सब पता था, लेकिन मुझसे सबने सब छुपाया, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और शुभांगी के दिसंबर में मेरे पास मैसेज आते थे कि मैं आमिर की पत्नी हूँ, तुम छोड़ दो उसको, और तुम्हारी शादी का जितना भी खर्चा हुआ है मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगी, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, तुम्हारी नौकरानी बन के रहूँगी, बस तो आमिर को मुझे दे दो। तो मैंने उस पर पलट कर ये कहा कि मैं 1000 आदमियों में शादी होकर आई हूँ, भाग कर तो आई नहीं हूँ, ना मैं भगौड़ी हूँ, तुम्हारे आमिर के माँ बाप और बहन मुझे पसंद करके लेके गए थे शादी करके, इसमें मेरी क्या गलती है? तो कहती है मुझसे गलती हो गई थी, एंड टाइम पे मुझे शादी करनी चाहिए थी, तो मैंने मना कर दिया। और लुबना बाजी को भी लुबना बाजी के बाद भी शादी से 10 दिन पहले शुभांगी महेश्वरी के कॉल्स आई थी कि आप शादी रुकवा दीजिए, मैं आमिर से शादी करूंगी, तो लुबना बाजी का उस पर रिप्लाई ये था अब हम नहीं रोकेंगे, शादी कार्ड बच गए, हमारी बदनामी होगी। अच्छा गुलफ्शा, अब क्या हुआ लास्ट, जो धर्म परिवर्तन का कैसे सोचा?
धर्म परिवर्तन का मुझे कुछ नहीं पता, इसमें आमिर ये कह रहे थे कि वो जो है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच आमिर मार्च के महीने में शुभांगी जो थी यहाँ पर आ गई थी और उन्होंने कहा तुम चौक में आ रहे हो वरना मैं आकर तुम्हारा फदीता कर दूंगा, तो ये डर के मारे उसको नैनीताल ले गए। अब मुझसे झूठ बोल के लेके गए कि मैं मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे शुभांगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, मैं अपने सेल्स के फ्रेंड्स के साथ 7-8 लोग हैं, हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, तुम मुझे वहाँ जाके कॉल मत करना, मैं दिमागी सुकून के लिए जा रहा हूँ। मैंने उनको वहाँ जाके बिल्कुल कॉल नहीं करी, घर में किसी को बता कर नहीं गए थे, सिर्फ मुझे बता कर गए थे। परिवर्तन वाली बात कैसे आई, क्या आप दोनों के बीच कोई बात हुई? नहीं कोई बात नहीं हुई, वो ये कहते थे कि मैं मतलब वो मुझसे शादी करने को कह रही है और तुम्हें तलाक देने के लिए कह रही है। मैं उससे कहता हूँ कि मैं उसे कैसे छोड़ूँ, मुझे खाने को नहीं दे रही, पीने को नहीं दे रही, सारा काम मेरा टाइम पे करके रखती है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो उसकी मतलब जिद यही थी कि उसको छोड़ो। अब आखिरी बार क्या बात हुई आपकी आमिर से? मैंने आमिर से कहा ये सब चीज़ें कब सही होंगी आप मुझे बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, 1.5 साल हो गया मुझे रोते रोते, जब से शादी होकर आई हूँ मैं रो ही रही हूँ, आप ये कहती हैं सब ठीक हो जाएगा, मुझसे ये चीज़ें अब और हैंडल नहीं हो रही। तो कहते थे सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो सब्र करो। तो धर्म परिवर्तन वाली बात आपके सामने कब आई? धर्म परिवर्तन वाली बात कल रात मेरे सामने आई जब व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस उड़ गए थे सबके पास, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था ना उन्होंने मुझे बताया। आमिर से कब मिली थी? 1 वीक पहले। इधर देखिए, 1 वीक पहले। क्या बात हुई, तो उस टाइप कोई बात हुई थी? बहुत ज़्यादा परेशान थे वो, और आमिर को जब शुभांगी बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती थी, वो ये कहती थी मतलब शुभांगी जो है एक तरीके की साइको लड़की है, क्योंकि आमिर ने कई बार मेरे सामने भी शुभांगी से बात करी है, वो मुँह में कुछ खा लिया करती थी और कहती थी मैंने मुँह में कुछ रख लिया है, कई बार उसने फांसी का फंदा गले में डाला और कहती थी तुम मुझे कॉल करो, इतनी साइको लड़की है, रातों को 227 कॉल्स थी। और उसकी ये बताइए आमिर ने ये जो धर्म परिवर्तन वाला लेटर दिया है इसके पीछे क्या उनकी मंशा है, वो कोई ड्रामा कर रहे हैं या शादी करना चाहते हैं आपको छोड़ के? वो शादी ही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं वो मुझे छोड़ते तो वो इधर से जाते, और वो शुभांगी ने जिद कर रखी थी कि रहेगी एक ही, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए मतलब एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। तो आपके और आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं सोचा कोई बात? वो ये कहते थे कि मतलब मैं बच्ची से बहुत मोहब्बत करता हूँ, शुभांगी मुझसे कहती है कि महक को तुम पैसे दे दो, उसकी शादी कहीं और करा दो और बच्ची भी मैं पाल लूँगी, मैं सब कुछ करने के खातिर तैयार हूँ, बस तुम महक को छोड़ दो और तुम्हारी बच्ची की परवरिश उससे तुमसे ज़्यादा अच्छे से करूँगी। अभी उसने एप्लीकेशन दे दी है, सरकारी जो भी कानून है उसके अनुसार तो धर्म परिवर्तन शादी के लिए नहीं हो सकता, तो आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ने नियम बनाया हुआ कायदा बनाया? गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहती हूँ ये धर्म परिवर्तन है इसको रोका जाए, मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है आमिर ने, ठीक है, मेरी कोई ख़ास एज नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है उन्होंने, मतलब मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। क्या अपील करेंगी आप? मेरी क्या गलती थी इन चीज़ों में, और ये बच्ची की क्या गलती थी, और ये जब ये बच्ची हुई है ना तो आमिर ये बच्ची भी चाह नहीं रहते हो, उन्होंने मेरे हाथ पे ला के टैबलेट रख दी थी कि तुम ये खा लो, और मुझे उन्होंने ऑफ़र करा था तुम दवाई जो है खा लो, हम अगले दिन देहरादून मसूरी चलेंगे। मैंने कहा कि मुझे ऐसी दवाई नहीं खानी जिसमें मुझे घूमना है, मतलब घूमने के नहीं है, मुझे बच्चा मानना पड़े, और सास ससुर को सबको सब पता था, आमिर को सब समझाते थे लेकिन आमिर समझ में नहीं आता था उनको कुछ भी। अब क्या चाहती हैं आप? अब मेरी योगी जी से ये दरख्वास्त है कि ये जो है धर्म परिवर्तन रोका जाए, और औरतों की जो ज़िंदगी ख़राब हो रही है जैसे आमिर ने मेरे साथ करा और किसी और महिला के साथ ऐसा ना हो, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई लेकिन और लेडीज़ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बच्ची की और मेरी क्या गलती थी जो मुझे सज़ा मिली। अब मुझसे आमिर ये कहते थे मैं शादी तुम्हें करके लाया हूँ, मैं ही तुम्हें मतलब पूरा करूँगा, मतलब मैं पूरी तरीके से शादी निभाऊँगा, जो होगा मेरे साथ होगा, तुम खुश रहो बस, लेकिन ये चीज़ें मेरे जहन से नहीं निकलती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई, और आमिर जो थे आमिर को शुभांगी मेंटली डिस्टर्ब करती थी। जो क्या करते हैं आमिर, क्या करते हैं आमिर जो है प्योर रूट में सेल्स ऑफिसर है, मतलब सीनियर सेल्स ऑफिसर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।